गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज है 9 फरवरी और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। ओपीएस के लिए 39,000 करोड़ की केंद्र से डिमांड, खारिज होने के बाद राज्य का नया फार्मूला। 29,000 करोड़ की मूल कटौती पर 10% प्रॉफिट के साथ मांगे थे राज्य ने केंद्र से 39,000 करोड़। राजस्थान में ओपीएस के लिए 41,000 करोड़ की दरकार। पीएफआरडीए से निकाल सकते हैं जमा का 25% पैसा। वार्षिक परीक्षा अप्रैल में शीघ्र शुरू होगी प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया। दोस्तों, अगर आपसे संबंधित कोई भी अपडेट है तो वीडियो को रोक करके आराम से पूरी अपडेट यहां पर पढ़ सकते हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 15 से सीबीएसई ने जारी किए विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र। देश में 35 लाख विद्यार्थी बैठेंगे परीक्षा में। सीबीएसई आप यहाँ पर अपडेट पूरी देख सकते हैं। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ सकते हैं। डेली आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सूचना सहायक भर्ती 2013 में कम किए पदों को पुनः समायोजित करें। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिलाध्यक्ष शंभु सिंह मेड़तिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र प्रेषित किया। सहायक आचार्य होम साइंस के साक्षात्कार 16 फरवरी से। बसंत पंचमी पर देने वाले गार्गी पुरस्कार की अभी तक आवेदन प्रक्रिया ही चल रही है। अब कार्यक्रम की जगह ऑनलाइन आवेदन लेकर ऑनलाइन ही राशि और प्रमाण पत्र होंगे जारी। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा इंतजार खत्म। 25 फरवरी से 1 मार्च तक होगी परीक्षा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया टाइम टेबल। यहाँ पर आप पूरा टाइम टेबल देख सकते हैं कब कब कौन से विषय की परीक्षा होने वाली है। ऐप से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। 15 को निकलेगी आरटी के तहत लॉटरी। 13 फरवरी आवेदन की अंतिम तिथि। निजी स्कूलों में आरटी के तहत एडमिशन किए जाएंगे। 13 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। मदरसों के बच्चों से नहीं लिया परीक्षा शुल्क, आदेश जारी। नेक्स्ट अपडेट क्या है चलते हैं। देखिए इस बार बजट की थीम बचत राहत बढ़त। ₹500 में सिलेंडर, 200 यूनिट तक फ्री बिजली। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का अलग कैडर। चिरंजीवी का दायरा 10 लाख पार होगा। बचत राहत बढ़त के बहाने घर घर पर गहलोत की नज़र। 15 साल बाद नए जिले संभव। ब्यावर, बालोतरा और कोटपुतली सहित 7 नाम। राजस्थान का भूगोल बदलने की तैयारी। आरपीएससी के सामने बेरोजगारों ने किया था प्रदर्शन। बेरोजगार पर लाठीचार्ज का मामला सीएम तक पहुंचा। एसपी ने सीआई से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। किस तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं, उपेन यादव के सभी आरोप निराधार, थाना प्रभारी। वेदान हो रहा था इसलिए पुलिस को बुलाया। अध्यापक भर्ती की 9 पारियों में से 5 की परीक्षा जयपुर में। 48,000 पदों के लिए 9.64 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग, तो आप देख सकते हैं विषयों के अनुसार। लेवल 1 में 11 जिलों में, विज्ञान गणित की 11 जिलों में, सामाजिक अध्ययन की 11 जिलों में और हिंदी की 11 जिलों में परीक्षा होगी। संस्कृत की जयपुर में होगी। अंग्रेजी जयपुर में, उर्दू जयपुर में, पंजाबी जयपुर में और सिंधी भी की परीक्षा जयपुर में होगी। सामाजिक अध्ययन में ओबीसी के 1.15 लाख अभ्यर्थी किसी भी विषय में ए कैटेगरी में सर्वाधिक। अध्यापक भर्ती परीक्षा में कैटेगरी वाइज अभ्यर्थियों की संख्या की डिटेल आप यहां पर देख सकते हैं। बॉम की बैठक में हुए निर्णय। कृषि विश्वविद्यालय बढ़ाएगा निजी कॉलेजों की एफिलिएशन व इंस्पेक्शन फीस। आरटी प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए 13 तक आवेदन मांगे लेकिन पोर्टल पर ऑप्शन चालू नहीं किया। आरटी में जिले की 250 से ज़्यादा स्कूलों की प्रोफाइल पहली कक्षा से ही शुरू हो रही हैं। नए सत्र से राज्य में वर्चुअल स्कूल भी, पढ़ाई ऑनलाइन परीक्षा ऑफलाइन। प्रदेश में खोला जाएगा सरकारी स्तर का पहला वर्चुअल स्कूल। 9वीं और 12वीं तक की पढ़ाई होगी ऑनलाइन।
आरटी 290 स्कूलों को 4,125 बच्चों की पुनर्भरण राशि का इंतजार, पिछले साल के 14 लाख बकाया। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में 2030 तक पैदा होगी 5 करोड़ नौकरियां, 8 साल में 1 करोड़ को पार कर जाएगी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की तादाद। अजमेर की उन शैक्षणिक संस्थाओं में 67 स्मार्ट क्लासरूम, अब जिले की 240 स्कूलों को आईसीटी के तहत मिलेगा लाभ। 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को दिसंबर से जून में रिटायर होने पर भी मिलेगा 1 वेतन वृद्धि का लाभ। ना लैपटॉप मिले ना टेबलेट, बोर्ड परीक्षाओं के मेधावी विद्यार्थियों को 4 साल से इंतजार, राज्य के 93,000 विद्यार्थी वंचित, बजट के अभाव में वितरण नहीं। पीजी के नियमित स्टूडेंट भी बेतौर स्वयं पार्टी भर रहे हैं परीक्षा आवेदन, क्योंकि 2 सेमेस्टर फीस भी दुगुनी। जनवरी जेई मेन एनटीए के कमेटी से चर्चा के बाद जारी किए रोके गए परीक्षा परिणाम। फ्रेंड्स ऑफ आईआईटी जोधपुर कॉन्क्लेव 11 से आविष्कार से नवाचार पर होगा विमर्श। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का चर्चा सुविचार, अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त हुई, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।